नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं एनक्लेक्स बेस्ड नर्सिंग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिलास्टिन 20 mg टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो बिलास्टिन 20 mg टेबलेट्स होती है, ये एक एंटी हिस्टामिन क्लास की दवा होती है, जो कि मेनली एलर्जिक रिएक्शंस में काम में ली जाती है। एलर्जिक रिएक्शंस जैसे नाक से म्यूकस का फ्लो होने लग जाए, आँख से पानी बहने लग जाए, पूरी बॉडी पर इचिंग चलना लग जाए, या फिर पूरी बॉडी रेडनेस होने लग जाए, रेशेज आने लग जाए, इसके अलावा जैसे बार बार स्नीजिंग आने लग जाए, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं एलर्जीज के। तो एलर्जी कोई भी प्रकार से होता है, किसी को डस्ट से एलर्जी हुई हो, या फिर किसी के इंसेक्ट बाइट से एलर्जी हो गई हो, जो ये एलर्जिक सिम्टम्स शो कर रहे हो, तो इन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए ब्लास्टिन 20 mg टेबलेट्स यूज में ली जाती है। दोस्तों जो ब्लास्टिन 20 mg टेबलेट्स होती है, ये अपनी बॉडी में हिस्टामिन के सीक्रेशंस को कम कर देती है, हिस्टामिन के सीक्रेशंस को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हिस्टामिन कम सीक्रेट होगा अपनी बॉडी में, तो ये सिम्टम्स भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे और अपने को रिलीव मिलने लग जाएगा इन सिम्टम्स से। तो ऐसे कुछ इस प्रकार काम करती है ब्लास्टिन 20 mg टेबलेट्स अपनी बॉडी में। दोस्तों कभी कभार अपन इन सिम्टम्स से रिलीफ पाने के लिए इसकी ज़्यादा डोज ले लेते हैं, जैसे एक की जगह 2 टेबलेट ले लेना, या फिर 20 mg की जगह 40 mg ले लेना, तो उसकी वजह से कुछ दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे हेडेक, सर में दर्द होना, स्लीपलेसनेस मतलब नींद नहीं आना, या फिर जी मचलाना, उल्टी आना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं इसके। दोस्तों अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है, या फिर किसी के लीवर फेलियर की शिकायत है, लीवर प्रॉब्लम्स हो, या फिर कोई लेडीज है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है, या फिर लैक्टेटिंग स्टेज मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा हमेशा बहुत सावधानी से काम में लेनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ में लेनी चाहिए। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि कुछ पर्सन्स ये टेबलेट ब्लास्टिन 20 mg को यूज़ में लेते हैं और उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं वो और ज़्यादा एक्सेसिव राइज हो जाते हैं, तो हो सकता है उनके इस दवा से एलर्जिक रिएक्शंस हो, जिसकी वजह से सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दवा को हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें। धन्यवाद। थैंक यू।